IAS IPS अधिकारी बनना कोई आसान रहा नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आज आपको UPSC परीक्षा 2019 में 83वीं रैंक हासिल कर IAS बनने वाली निधि सिवाच की कहानी बताते हैं। उनके रास्ते में ना जाने कितनी परेशानियां आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने तीसरे प्रयास में सपना पूरा करके दिखाया। उन्होंने बिना कोचिंग ज्वाइन किए UPSC परीक्षा की तैयारी किए सफलता हासिल की। एक समय ऐसा भी आया जब डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए 6 महीनों के लिए उन्होंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। हरियाणा के गुरुग्राम में जन्मी निधि अपने माता पिता की पहली औलाद है। इंटरमीडिएट के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। उसके बाद 2 साल तक हैदराबाद में एक कंपनी में जॉब किया। उन्हें ये आभास हुआ कि उनकी मंजिल जॉब करना नहीं है। यहीं से उन्होंने UPSC करने का मन बनाया और तीसरे प्रयास में IAS बनकर अपना सपना पूरा किया। हैदराबाद में 2 साल काम करने के बाद निधि ने कभी सिविल सर्विसेज के बारे में नहीं सोचा था। निधि देश की सेवा करना चाहती थी, इसलिए वो AFCAT परीक्षा में बैठी और लिखित परीक्षा में सफलता भी हासिल की। लेकिन जब वो इंटरव्यू में गई तब उनसे कहा गया कि उन्हें डिफेंस की जगह सिविल सर्विसेज के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ से उन्होंने UPSC क्रैक करने का सोचना शुरू किया। निधि का मन नौकरी में नहीं लग रहा था और दूसरी तरफ उनके पिता शादी करने के लिए प्रेशर बना रहे थे। निधि को जिंदगी के इस पड़ाव पर शादी नहीं करनी थी, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढना शुरू कर दिया। आखिर में सिविल सर्विसेज क्रैक करने का मन बनाया। UPSC में 2 बार उन्हें असफलता मिली और तीसरे प्रयास से पहले घर वालों ने उनके सामने शर्त रख दी। घर वालों ने कहा कि अगर इस प्रयास में वो सफलता हासिल नहीं कर पाएं तो उन्हें शादी करनी पड़ेगी। उन्होंने ये शर्त मान ली और UPSC के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। तीसरी बार में किस्मत ने उनका साथ दिया और उन्हें सफलता मिल गई। उन्होंने खुद को 6 महीने के लिए अपने कमरे में बंद कर लिया था। उनके मुताबिक घर में पढ़ना आसान नहीं होता क्योंकि आपको खुद को परिवार द्वारा होने वाले डिस्ट्रैक्शन से बचाना पड़ता है। निधि ने पूरे तरीके से खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। उन्होंने किसी भी कोचिंग की मदद नहीं ली और ना ही किसी सोशल ग्रुप का हिस्सा बनी। आखिर में उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने 83वीं रैंक हासिल की। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।